पुलिस की नौकरी छोड़कर आपने सिंगिंग को चूज कर लिया। यार यहाँ पे तो लोग सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं और आपने सरकारी नौकरी छोड़कर सिंगिंग को चूज किया। जी भाईजान, वो एक कहावत है ना, जहाँ चाह वहीं राह। हाँ। मेरी चाह यही थी भाईजान, यहीं पे मैंने इसको। यार यहाँ पे तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आमिर सुहेल के साथ साथ डेली तस्कीन के ऑफिशियली फेसबुक पेज के ऊपर आमिर असलम जी को। यह हमारे जम्मू के आर्टिस्ट हैं। मैं तो सब लोगों को कहता हूं कि अपने लोकल आर्टिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करो। हमारे पास खुद इतने टैलेंटेड यूथ है कि हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। इनका नाम आमिर असलम साहब है और आमिर सुहेल इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे अपने जम्मू शहर के हैं और काफ़ी अच्छे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। आज का पूरा सेशन इनके साथ होगा। ज़बरदस्त मीठी आवाज़ में ये लगातार अलग अलग गाने भी सुनाएंगे, थोड़ी जर्नी के रिलेटेड भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था लेकिन आपने पूछ लिया। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से भाई जान। काम धंधा सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया भाई जान। शोज वगैरह मिल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं भाई जान। कंपटीशन कितना हो गया है? कंपटीशन अगर आप पूछेंगे आमिर भाई तो आज की डेट में कंपटीशन तो है, क्योंकि छोटे छोटे लड़के काफ़ी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमें भी पूछते हैं कि आमिर भाई नहीं, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे वैसे करना है, कैसे करना है, प्लीज़ हमें बताइए, तो हम बताते हैं उनको भी। आज के जो फील्ड है, आज की फील्ड में कंपटीशन तो है मेरे भाई। गैजेट्स भी बड़े महंगे आ रहे होंगे पहले के मुकाबले। जी जी हाँ भाई, वो तो बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहले नहीं आते थे ऐसे ऐसे बड़े बड़े कीबोर्ड्स यहाँ पे, आज आप देखिए माशाल्लाह मेरे पास भी एक अच्छा कीबोर्ड है। पुलिस की नौकरी छोड़कर आपने सिंगिंग को चूज कर लिया। यार यहाँ पे तो लोग सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं और आपने सरकारी नौकरी छोड़कर सिंगिंग को चूज किया। जी भाईजान, वो एक कहावत है ना, जहाँ चाह वहीं राह। हाँ। तो मेरी चाह यही थी भाईजान, यहीं पे मैंने इसको। यार यहाँ पे तो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग कहते हैं कि जनाब नौकरी मिलनी चाहिए और आपने मिली हुई नौकरी को छोड़ दिया। चलिए ऊपर वाले के हाथ में होता है सब, उसने निजाम भाईजान बनाया होता है कि आपको कितनी देर कहाँ रिज़्क खाना है, कितनी देर कहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं बाकी। अच्छा, इससे खुश है, मुतमईन है? हाँ हाँ मैं खुश हूँ भाईजान। क्या जिंदगी का वो बेहतरीन फैसला था? बिल्कुल बिल्कुल भाईजान। पुलिस की नौकरी मिली थी? हाँ, पुलिस की नौकरी कर रहा था। पुलिस का डंडा हाथ में अच्छा लगता है या ये माइक हाथ में? नहीं, माइक हाथ में अच्छा लगता है भाईजान। अच्छा, हाँ, कितने समय से इसके साथ हैं आमिर साहब? भाईजान मुझे आज 18 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए। तो सिंगिंग तो मैं बचपन टाइम से ही करता था, बट उसके बाद मुझे शौक पड़ा काफी, फिर मैं मुंबई गया थोड़ी देर, मेरे गुरुजी स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल जारी रहा। मेरे गुरुजी थे वहाँ पे इस्माइल दरबार साहब, उनके बड़े भाई यासिन दरबार जी, उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, सिखाया और सीख रहे हैं आज और सीख रहे हैं आज भी। ये समुंदर है आमिर सर, समंदर है, इसका कोई भी वो दायरा नहीं है। जितना मर्जी सीखे इंसान फिर भी वो परफेक्ट नहीं है। हम भी सीख रहे हैं अभी।
जिंदगी में कोई एक ऐसा पल भी तो आया होगा यार जब ये सोचा होगा कि छोड़ देते हैं सिंगिंग से, अब घर नहीं चल रहा है, जी, 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 अपना खर्चा नहीं चल पा रहा है यार, जी, 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 लोग बैठ के फ्री में सुन लेते हैं, दो मिनट के लिए तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन उस तारीफ से घर नहीं चलता, पेट नहीं पलता है। हकीकत है भाई जान, ये तो आपकी बिल्कुल सही है। नहीं वो तो आप बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हो कि घर नहीं चलता है, इंसान को कुछ इसके साथ साथ भी कुछ और भी करना चाहिए, इसलिए मैं करता था। बट चलो अब फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, अल्लाह के फजल से लोग जाने लग पड़े, काम मिलना शुरू हो जाए तो फिर तो मजेदार सीन है। फिर मजेदार सीन है ब्रो। हाँ, तो फिर तो एंजॉय करते हैं। हाँ, एंजॉय भी करते हैं, अब तो वहां से पैसे भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, से अपना सर्कल चलता है, चल जाता है। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहाड़ी गाने से। चलिए ठीक है सर, चलिए जी आज की शुरुआत, आज की शाम आमिर असलम साहब के नाम और आमिर सुहेल के नाम, हमारी तरफ से तमाम देखने वालों को जो है वो प्यार ही नसीब हो सकता है, उसके सिवा कुछ नहीं दे सकते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो भाई जानिए मैं कुछ दो लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल जनाब, आप चार लाइनें सुनाओ, मैं छह सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या जबरदस्त आवाज है, सुनने के बाद दिल को सुकून मिल गया। एक कश्मीरी गाना साथ ही साथ कश्मीरी गाना भी हो जाए, पहाड़ी भाइयों के लिए पहाड़ी गाना, कश्मीरी भाइयों के लिए कश्मीरी गाना। कश्मीरी गाने के लिए मैं भाईजान कोशिश करूंगा। ये तो उससे भी बेहतरीन है, सुनने का मजा आ गया। अच्छा आमिर भाई, आप शादी में जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैरिज सेरेमनी बिल्कुल भाईजान, आप मेरा नंबर मेंशन कर दीजिए, हम मैरिज शोज भी करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं, लाइव कंसर्ट्स भी करते हैं। हाँ, जिस हिसाब की आगे से डिमांड हो वैसा।
वैसे ही करते हैं, वैसे करते हैं। अच्छा मेरा एक बड़ा बेहतरीन सा गाना है यार आमिर भाई, वो तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़े, अगर हम उस पे गा लें या फिर काली काली जुल्फें, वो भी आपके पास ऑप्शन है, या दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। वैसे आप बोलोगे तीनों दुखी गाने बता दिए, लेकिन तीनों में से एक चुन लें आप, जो आपको ठीक लगता है, जो आपके लिए सुनाऊंगा दिले उम्मीद तोड़ा है। हाय 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 क्या बात है, फिर तो ये तो फिर वही बात होगी ना कि मतलब खाने के ऊपर से मीठा हो जाए, ये वो वाली बात है। तो भाईजान शबे गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती, हंसी सर नहीं होती। तो मैं आमिर भाई की डेडिकेट करूंगा ये सॉन्ग। हाँ दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे की छोड़ा दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। आपका तोड़ा है? हाँ भाई जान तोड़ा है। इस शहर में सारे मरीज दिल जले ही है भाई, दिल जले ही बराबर भाई। खैर हम तो किसी एक के, वो कहते हैं ना कि मरीज थे, इलाज नहीं मिल पाया तो खैर जिंदगी ने एक अलग रंग दिखाया। आपके यहाँ पे भी ये कुछ चल रहा है? ऐसा ही समझो भाई, चलो हम भी मानकर चलेंगे। अच्छा एक जबरदस्त बात तो ये भी है कि यार ये ना एक बड़ा खूबसूरत सा आपके पास ये है, क्या नाम है इसका? सर इसे हम सर सिंथेसाइजर भी बोलते हैं। सिंथेसाइजर? यस सर। हाँ तो इसका कीमत भी तो बड़ा होगा यार। हाँ सर आई थिंक नियर अबाउट ये कोई सर 3.5-4 लाख के अबाउट। अच्छा तो यार ये कमाने के लिए भी, ये लाने के लिए भी तो कई सारे शोज करने पड़े होंगे। हाँ बराबर, चाहे वो बारिश है धूप है छाँव है भाई, भाई बहुत इसके पीछे मैंने स्ट्रगल किया भाई, मेरे सिर्फ इसी के लिए, इसी इस चीज के लिए भाई। थोड़ा घर वालों ने भी, मेरे अबू जी अल्लाह उनको इज्जत दे, और बिल्कुल उन्होंने मुझे काफी 2 लाख मुझे उन्होंने दिए, और 1.5 लाख रुपया मैंने खुद का इकट्ठा, मतलब 3.5 लाख रुपए का खाली गैजेट ही है जी भाई जान। अब कितने कंसर्ट करने पड़ेंगे पैसा 30-40-50 वापस करने के लिए, एक साल तो लग जाएगा भाई इसका रिटर्निंग के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिस्ट की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। अच्छा कुछ आपको थीम सुनाता हूँ भाई, वो कुछ ट्रांस वगैरह, कुछ ट्रांस आपने बोला है तो मैं आपको एक्सेंट का ट्रांस सुनाता हूँ, उसके बाद कुछ और बॉलीवुड की थीम्स वगैरह हो जाए थोड़ी बहुत। ब्रो जैसे आप बोलेंगे वैसे करेंगे, तो फिर एक लास्ट पे गजल कोई हो जाए। बिल्कुल भाई वैसा करेंगे, गजल भी करेंगे। आप आमिर असलम जी का नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉल करके इन्हें अपने शादी में कंसर्ट्स में बुला सकते हैं, और मेरी रेफरेंस से ये आपको बिल्कुल जो है वो लोग बजट के ऊपर आपके पास आएंगे, यकीन तो मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं। और एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, मेरी लाइफ पे एक सॉन्ग आ रहा है, उस सॉन्ग को भी ये गा रहे हैं आमिर असलम जी, और इनकी आवाज होगी उस गाने में आप सुन पाएंगे। वो थोड़ा सा मेरी बायोग्राफी को लेकर, थोड़ी सी उस चीज को लेकर, पुराने पल को है, कुछ लम्हों को है, उसमें आमिर असलम जी ही रोल बड़ा प्ले कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा, सो आप ये स्टार्ट करें। फिलहाल ट्रांस का मेरे भाई ने बोला है कि आमिर भाई ट्रांस प्लीज थोड़ा प्ले करो, तो मैं ट्रांस आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसमें प्ले करके अपने हाथों से भाई, कला आर्टिस्ट। I
एक एक वो वाली यार जो मेरी बड़ी फेवरेट सी है, जो आपने इससे पहले प्ले किया था. ओके अच्छा ओके ओके हाँ इसी बीट पे होगी. आमिर भाई को काफी पसंद है ये, मेरी बड़ी फेवरेट है. हाँ हाँ बिल्कुल. क्या बात है, कमाल है, दमाल है, सुपर्ब, नेक्स्ट लेवल, ओपी भाई. मेरे पास कमेंट्स नहीं है, मैं क्या करूं. मैं भाई का टैग कर रहा हूं इंस्टाग्राम भी फेसबुक भी. यार भाई को फॉलो करो, हमारा अपना लोकल टैलेंट है, हमें प्रमोट करने की जरूरत है. हम बाहर के सिंगर्स को बुलाकर लाखों रुपया देकर अपनी शादी और ब्याह में बुलाते हैं. अगर हम अपने लोकल लोगों को सपोर्ट करेंगे उतना ही कम पैसे में हमारे घरों के अपने सिंगर्स भी जो है वो अच्छे से अर्न कर पाएंगे और आप लोगों के वहां पे आके परफॉर्म भी कर पाएंगे. भाई मेरी ऑडियंस के लिए एक गाना होना चाहिए, गजल. बिल्कुल, मैं गजल सुनाऊंगा आपको और जो आमिर भाई का रेफरेंस देके आएगा उसको मैं 5,000 rupees उसमें मुझे बोला एक गजल के लिए, तो क्या बात है. एक गजल सुनाता हूँ, ये गजल मैं बचपन में भाई जी गाया करता था. लगन लगे तुमसे मन की लगन गली गली घूमे दिल तुझे घूमे, गली गली घूमे दिल तुझे घूमे तेरे बेतर से नहीं. लगन लगे तुमसे मन की लगन क्या बात है. असलम साहब की इस सुरेली और खूबसूरत सी आवाज में ये तमाम गाने मैंने आप तक पहुंचाए हैं और आमिर असलम हमारे जम्मू के लोकल आर्टिस्ट हैं. मैं नंबर भी दे दूंगा भाई का, आप सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा. भाई आपको छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है 5, 6, 7, 8, 10, 50 गाने इंशाल्लाह. आमिर भाई ऐसी कोई लेकिन बात नहीं है, आप जब कभी मेरे स्टूडियो में भी आएंगे इंशाल्लाह वहां पे भी आ गया बिल्कुल. लेकिन अब इनके
वक्त की कदर करनी है हमें, और वैसे ये सेशन 10 से 12 मिनट का होता है और वो सेशन मुकम्मल होने जा रहे हैं। मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स भी जो हैं वो ज़्यादा वो ना हो, बोर ना हो। तो जाते हुए लम्हात में मैं आप सब लोगों को अलविदा करना चाहूँगा। आमिर असलम की जानिब से आप सब लोगों को प्यार भरा सलाम है, नमस्ते, सत श्री अकाल। और ये आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अगर आप लोग इनकी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आम शहरियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरी तो एक पहल है, आप लोगों ने इसमें पूरा सपोर्ट करना है। और बाकी ये जो इन्होंने चंद बातें आप तक पहुंचाई हैं, इन पे आपने गौर और फिक्र भी करना है कि साफ जाहिर सी बात है। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था यार, ये बजाना भी तो बहुत डिफिकल्ट है ना, मतलब किसी के बस की बात तो नहीं। ये देखो पू 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 अभी सर, ऐसी बात नहीं है सर, जब थोड़ा इसको प्रैक्टिस करनी होती है, इसके थोड़े से वो मैथ, मतलब इतने बटन्स हैं, इतनी स्क्रीन, इतना ही है। आप इसको भूल जाओ, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस ये 13 कीज की गेम है सारी। हां तो ये देखो, ये भी सेम आवाज दे रहा है, ये भी सेम आवाज दे रहा है, ये भी सेम साउंड दे रहा है। फर्क क्या है, ये ट्रिबल में है, ये उससे बास में है, ये उससे बास में, ये उससे बास, ये उससे बास। क्या बात, समझ गए भाई आप? समझ गए, ऐसे ऐसे ही है। मैं तो ये सोच रहा था इंटरव्यू के दौरान में कि भाई इतने बटन्स, इतना सब कुछ, यहाँ से दबा रहे हैं, एक फंक्शन में आ रहे हैं दूसरे में, मुझे लग रहा था कि इसको सीखने के लिए भी कम से कम एक साल चाहिए और एक अच्छा खासा दिमाग चाहिए। आम शायरी की बात नहीं है कि वो इसे सीख पाए। आप गिटार वगैरह भी बजा लेते जी भाई, अगर कुछ सीखना चाहें? हाँ, आ सकता है भाई जी, आ सकता है। आप इनके पास गिटार भी सीखने के लिए आ सकते हैं और ये बिल्कुल आपको जो है वो गिटार भी सिखाएंगे। आप इनसे रابطہ कर सकते हैं, मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका दे दूंगा। फिलहाल के तौर के ऊपर इस प्रोग्राम में आप दीजिएगा अपने मेजबान आमिर सुहेल को इजाजत। देखते रहें खास प्रोग्राम डेली तस्किन और आमिर सुहेल का ऑफिशियली फेसबुक पेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।